बिजनौर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य बड़े अधिकारी पहुंचे और एक बड़े जन सैलाब को संबोधित किया। इस दौरान उन सब ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय सड़क परिवहन सहित राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ बिजनौर से किया है। जन विश्वास यात्रा के लिए तैयार किया गया रथ को दुल्हन की तरह सजाया, साथ ही महात्मा विदुर की पावन धरती पर उसका पूजन हुआ। मुस्लिम नेता, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में काफी देर से पहुंचे, जिसको लेकर कार्यक्रम में पहुंची पब्लिक को काफी इंतजार देखना पड़ा। जन विश्वास यात्रा के लिए तैयार किया गया रथ बिजनौर की सभी विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। हालांकि सभा स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर हेलीपैड बनाया गया था, समर्थन के पास जगह न होने के कारण हेलीपैड को काफी दूर बनाया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में फिर से भाजपा सरकार बनाने का दावा किया है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना, हमें अपने हकदार का याद करना है। जो ताकत 2014 में आपने दिखाई, वो हकदार का याद करना है। जो आपने 2017 में दिखाई, वो हकदार का याद कर। रामायण और महाभारत हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। काका कालेकर करके एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान विदुषी थे, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। ने कहा था कि जो जो दुनिया में है वो सब महाभारत में है, और जो दुनिया में नहीं है वो भी महाभारत में था, महाभारत में है, ये उन्होंने कहा था। ये किताब में उन्होंने अपना एक चैप्टर सही में महात्मा विदुर जी के ऊपर लिखा था। महात्मा विदुर जी की ये पावन भूमि है, जिन्हें हर समय न्याय के लिए, एकता के लिए, नैतिकता के लिए पूरे ऐसे मापदंड प्रस्तावित किए थे कि हजारों सालों के बाद भी महात्मा विदुर को हम कभी भूल